रात में मन ही मन बोले ये मंत्र, प्यार के मन पर होगा आपका अधिकार, प्यार के मन पर होगा आपका कब्जा, प्यार के अंदर जहां तुम रहना चाहते हो, प्यार के दिल में जहां तुम्हारा वास होना चाहिए, प्यार के दिल में तुम जगह ही तो बनाना चाहते हो, ये मंत्र भरपूर पावर रखता है उस चीज के लिए। दो शब्दों का तो मंत्र है, पूरी बात बता रहा हूं आपको। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है, शादी के पहले, शादी के बाद, किसी भी तरह की समस्या आई तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको समाधान देगी। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के मध्य में कोई समस्या हो, शादी के उपरांत पूर्व कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे तुम्हारी लव लाइफ में, चाहे पारिवारिक लाइफ में, रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में, हम हर जगह आपकी मदद करते हैं। मदद आपको पूरी तरह से वैदिक परंपराओं के आधार पर दिया जाता है। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, साउथ ज्योतिष, जितने भी प्रकार की विधाएं हैं, हर विधाओं से निकालकर हर बार कुछ नया आपको बताया जाता है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये काम हो रहा है और कितने लोग ठीक हो चुके हैं जानना चाहोगे? यहाँ ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख, और यहाँ का सक्सेस रेट 100 लोग आते तो कितने ठीक होते होंगे? 2-4-5% नहीं नहीं अच्छा 10-12-15-20% नहीं नहीं 50% नहीं 60 नहीं 70 यहां ठीक होते हैं 95% प्लस। यहां 100 में से 95-96 लोगों के काम हो जाते हैं। जो भी 2-4 लोगों के काम नहीं होते उस पे बहुत सारी कारण है, कभी मेरी भी गलतियां हैं, कहीं उनकी भी गलतियां हैं, कहीं हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं या शायद वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको भी। आप अगर हमारे पुराने वीडियोज उठा के देखो, मैं पिछले कितने ही टाइम से ये बोल रहा था कि मैं ऐसी विधा कर रहा हूं जिससे YouTube को डिसलाइक बंद करना पड़ेगा, ऐसा हो गया। हमने जितनी बार भी जो कहा है आपसे वो सब पूरा किया है, उस मालिक ने, उस परमात्मा ने हमेशा साथ दिया है। यहां इतना कैसे बेनिफिट होता है, कैसे हर व्यक्ति को अपना प्यार मिल जाता है, हर व्यक्ति का रिश्ता कैसे सुधर जाता है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है और उस रिसर्च को आपके साथ सीधा साझा किया जाता है। उस रिसर्च में बहुत बल है, उस रिसर्च में बहुत ताकत है और वो आपको साझा किया जाता है। आज का रिसर्च भी अपने आप में बहुत मनोरम है। हम आज कह रहे हैं कि रात्रि में अपने मन ही मन, अपने बेड पर लेटकर मन ही मन ये शब्द, ये मंत्र, ये ताकत का वाक्य बोलना शुरू कर देना। मन ही मन जब आप जाप करोगे तो मन से मन का कनेक्शन बनेगा और आपके पार्टनर के मन पर आपका राज होगा, आपके पार्टनर के मन में आपका अधिकार होगा, आपके पार्टनर के मन में आपका वास होगा, आप ही उसके मन के मालिक होंगे। जबकि मन सो और महीप नहीं, महीप मतलब राजा, मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां वो बरे, मन ताही हाथ बिकान, मन सो
और महीप नहीं, मन जैसा राजा है ही नहीं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं, सालों साल की रखी हुई न्यू कैसे टकमगा जाती है, क्योंकि लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मन राजा है और मन बहुत चंचल है। मन की स्पीड कितनी है, मन की स्पीड यदि एक सेकंड में सोचे तो अमेरिका, एक सेकंड में सोचे तो लंदन, एक 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 संत की बात याद आती है। बड़े कवि थे, सब कविताएं कह रहे थे अपनी अपनी, दुनिया भर की लंतलानी, यहाँ की वहां की वहां की। संत की बारी आई, उनको माइक दिया गया, उन्होंने बोला भाई हमें कविता लिखी है मैंने। बोले क्या? बोले मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली। बोले क्या क्या ये कविता है, ऐसी कौन कविता करता है? बोले तुम कविता देख रहे हो, मैं तुम्हें मन की स्पीड बता रहा हूं। मन की गति तो देखो, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन कभी अमेरिका कभी कनाडा, एक सेकंड भी बहुत ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंच सकता है, इतना इतना चलायमान है। इतनी तेज कैसे चलता है? क्योंकि मन गमन होता है चंद्रमा से, नौ ग्रहों में एक ग्रह है चंद्रमा, उसका मालिक है वो चंद्रमा, बड़ा तेज चलता है। जहां एक राशि से दूसरी राशि पे जाने में शनि ग्रह को 2.5 साल लगते हैं, वहीं चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन लगते हैं, इतना तेज है। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो वजायत, ऐसा वेद कहता है। वेद कह रहा है कि मन की गति, मन का कंट्रोल, मन की स्पेशलिटी, मन की विधा, मन की वेदना, मन का प्रसन्नता, मन में बहुत सारे रूप हैं, मन ही तुम हो। मन को आपको पता है इंग्लिश में मन को क्या कहते हैं? कुछ नहीं पता, इंग्लिश में कोई पर्यायवाची नहीं है उसके लिए। आपके शरीर के सारे ऑर्गन काट कर निकाले जा सकते हैं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, कान, मुंह, पेट, हाथ, यहां तक कि तुम्हारा दिल। दिल दिया सरकार को, किसको? उस मालिक को। दिल दिया भरतार को, अब कौन पूछे कौन हो, कौन पूछे कौन कहे। तो उस दिल को भी काट कर निकाला जा सकता है। जरा बताना, दुनिया का कोई भी सर्जन है जो तुम्हारे मन को निकाल सकता है तुम्हारे अंदर से? चलो जरा साइंस में ढूंढ कर बताना कि तुम्हारे पूरे शरीर में मन कहां होता है। हम सब कहते ना, मेरा मन नहीं है, मेरा मन कर रहा ये खाऊं, मेरा मन कह रहा वैसा करूं, मेरे मन में आ रहा है ऐसा होना चाहिए, वो मन है कहां? शरीर के किस लोकेशन पर वो पाया जाता है? हाँ, हमने बोला कौन, उस सर से उठाया किसी ने फोन, उसने भी कहा कौन, मैं तुम्हें सर्वसार नहीं करना चाहता था, कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए हमने भी कह दिया जी कौन। रात के 12 बजे के बाद उधर से आया फोन, उसने भी कहा मुझे फोन, कौन कौन, ये जो शब्द है ना, साहब कौन दे रहा है, वो कौन जिसको लोग मन कहते हैं। बेचैन हो जाता है कभी किसी को फोन करें और उधर से कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति अगर फोन उठा ले तो मन में उठ जाता है ना, ये कौन है, कहीं 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 वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं, कहीं वो नहीं, कौन कर रहा है ये, कर रहा है तुम्हारा मन, वो है कहां? तुम्हारी पड़ोसन है क्या? तुम्हारे साथ काम करने वाली है क्या? तुम्हारे घर से तो नहीं लगती,
बताना जरा कौन, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कल जिसने उठाया था फोन उधर से बार बार वो कह रही थी कौन, जरा बताओ ना वो कौन। ये कविता है वैसे तो, मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ मैंने ही लिखी है कौन के ऊपर। कौन मतलब वो मन जो तुम्हें विचलित कर रहा है, कौन मतलब वो मन जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कौन मतलब वो कौन जो तुम्हें वेदित कर रहा है, संवेदित कर रहा है। जरा ध्यान से समझना, मैं बात विवेक की नहीं कर रहा, मैं बात तुम्हारे दिल की नहीं कर रहा, मैं उस मन की बात कर रहा हूं जिसमें तुम दिन भर रटते रहते हो। क्योंकि जपा सिद्धिर न संशया। झूठ को बार बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। तुम ढूंढो अपना मन, मैं तुम्हारे मन में बसने वाले को तुम्हें दिलाने की विधा बताने जा रहा हूं। फिर इस मन के कौन पर बात करेंगे, इसके लोकेशन और इसकी नेविगेशन को हम फिर से ट्रैक करेंगे, फिर से बात करेंगे इस विधा पर, फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी सीधा तुम्हें लेकर के चल रहे हैं तुम्हारे उपाय की तरफ, क्योंकि तुम्हारा मन जिसके लिए बेचैन है उसे ढूंढते हैं, वो कहाँ और किसके साथ है, उसे आपका बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं ना, काहे चिंता करते हो, सीधा उधर के वो लेके चल रहे हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु पिताजी प्रणाम, सब कुछ तो ऐसे ठीक ही हो गया है मेरे लाइफ में आपकी वजह से। मेरे दादाजी जाने वाले हैं संडे को उनको देखने के लिए, और वो लोग कब आएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन मेरे दादाजी सब फैमिली को पसंद आ जाए और मैं भी उनके फैमिली को पसंद आ जाऊँ। मेरे प्यार और हम लोग के साथ हमेशा रहिएगा गुरुदेव। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। अब बात कर रहा हूँ उस उपाय की, उस विधा की, उस परंपरा, उस व्यवस्था की जिसमें तुम्हें बहुत मजबूत हो जाना है आज। अब तुम्हें करना क्या है, आज रात्रि में सोते समय आपको सरसों का तेल अपने हथेलियों पे और अपने पंजों पर लगा लेना है और अपनी नाभि पे। ये एक्चुअली तो तीन ही स्थान होते हैं लेकिन इंटरनली पांच हो जाते हैं, दो हाथ दो पैर और एक नाभि। वैसे तो हाथ पैर ना भी तीन हुआ लेकिन वैसे पांच हो जाते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पांच का हुए, तीन ही हुए ना लेकिन वो पांच हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी भी साथ हैं। तो ये उस विधा पर परंपरागत है। तो आपको दोनों हाथों पर, अपने दोनों पैरों पर और अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना है और सीधा चुपचाप लेट जाना है। आज आप भले ही अपने घर वाले कपड़े पहन रहे हो, भले ही आप जो कपड़े पहनकर आप सोते हैं वही ही पहनना है, ऐसा कोई स्पेशल वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धुले, स्वच्छ और साफ होने चाहिए। पहले से पहने हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनना है, जो भी कपड़ा पहनना है वो धुला हुआ ही पहनना है। और कोशिश करिए आज के दिन आप थोड़े अच्छे बनकर सोएं। वैसे तो मैं हमेशा के लिए बोलता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं तुम्हें इतना सुंदर बनना है कि तुम्हें सोते समय भी कोई देख ले तो फोटो तुम्हारी तस्वीर दीवार पर लगाने वाली होनी चाहिए। तुम्हें इतना सुंदर बनकर रहना चाहिए हमेशा, सोते समय भी ये आदत डाल लो। जब तुम्हारी आंखों को यह आदत पड़ेगी तुम्हें खुद को सुंदर देखने की, तो जब तुम नहीं होगे तो तुम्हें अलग लगेगा और तुम फिर कोशिश करोगे। तो तुम प्रयत्न करो ना, जैसा मैं कहता हूं, तुम्हें जैसे चला रहा हूं तुम सिर्फ वैसे चलते जाओ, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तुम अकेले कैसे रह जाओगे उस भीड़ में, अछूते कैसे रह जाओगे। गंगा की लहरों में धारा की बीच जो भी गया भैया उसको सब कुछ मिल जाता है। इस सरोवर में स्नान करने पर मोक्ष प्राप्त होता है और प्रेम मिलता है, तुम क्यों अछूते रहना चाहते हो। तो खैर, आज स्वच्छ साफ सुंदर कपड़े पहनकर और बेहतर लग करके आपको लेट जाना है चुपचाप। सारे काम जब समाप्त हो जाए, जब आपको किसी का मैसेज चेक नहीं करना हो, कॉल नहीं करनी हो, फोन नहीं करना हो, तब आप ये उपाय करना शुरू करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका फोन साइलेंट हो जाना चाहिए, फिर किसी से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी समय हो सकता है, रात्रि में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हो सकता है, किसी भी समय आप सोएं,
इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आपको इसी समय सोना चाहिए। यद्यपि मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि तुम हमारे सारे वीडियोस पुराने देखो ताकि तुम्हें ये समझ आए कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना और क्या करना है, क्योंकि मैं हमेशा इन सब बातों पर बहुत जोर देता हूँ। मैंने बताया है कि बहुत आवश्यक ना हो तब तक 10 बजे के बाद बात नहीं करनी चाहिए। जान नहीं जा रही हो किसी की, तुम ऐसे सर्जन हो कि तुम वहीं गए तो वो मरी जाएगा या मर जाएगी, तब तक तुम्हें 10 बजे के बाद अनावश्यक किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। रात्रि में 10 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आपका फोन बहुत नितांत पर्सनल हो जाना चाहिए। नितांत पर्सनल मतलब दोस्तों के लिए भी नहीं, नितांत पर्सनल का मतलब होता है पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माँ बाप, भाई बहन। बस एक होता है आउटर सर्किल और एक होता है इनर सर्किल, तो इनर सर्किल के लिए ही रहना चाहिए उस टाइम पर, जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा ना आ जाए कि यार अब तो फोन उठाना ही पड़ेगा वरना पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, तो आप जब सारे काम से निवृत्त हो जाए तो आप ऐसा कर करके चुपचाप लेट जाइए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और अब आपको एक मुद्रा बता रहा हूं, ये मुद्रा बना लीजिए। आपको ऐसे हाथ आपस में फंसा लेने हैं और सिर्फ फर्स्ट फिंगर ओपन कर लेनी है और अंदर की ओर अंगूठे को सीधा कर लेना ऐसे, मतलब अंदर ऐसे दिखाई पड़ेगा एक्चुअली, मतलब ये ट्रायंगल दिखेगा अंदर से। तो आप ऐसे करके ये उंगली सीधी करेंगे और अंगूठे को जैसे ही सीधा करेंगे तो ये ऐसा बन जाता है कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा एकदम तीर के जैसा, क्योंकि ऐसे बनाए तो ऐसे बनता है लेकिन जब आप उस समय टाइट करके बनाते हैं तो आपको ऐसे बिल्कुल तीर जैसा दिखाई पड़ता है, एकदम तीर के तरह, समझ गए? ये मुद्रा अपने आप में बहुत स्पेशल मुद्रा है। योगिक लोग इस मुद्रा को बनाया करते हैं और इस मुद्रा से बड़े सारे काम कर लिया करते हैं, इससे बहुत सारी शक्तियां चलाई जाती हैं। तो ये शक्ति आपके अपने लिए है और इसको अपने हृदय पर रख लीजिए। अब ध्यान रहे कि हृदय आपका यहां नहीं हो, हृदय आपका यहां मध्य में होता है, इस जगह पे जहां से सीने की हड्डी शुरू होती है, तो यहां पर रख ले। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको कहना है, अम बम 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 अम बम बम अम बम बम अम बम बम। अब इसको आप आगे पीछे करके कैसे भी बोल सकते हैं, जितना हो सके उतना एक्सेस करके बोलिएगा। अम्मा बप्पा दोनों का नाम है इसमें, अम्मा बप्पा मतलब मैया और बाबा शिव, माता पार्वती और बाबा शिव दोनों का नाम है और उस तोतली भाषा का संस्कृत नाम है जिससे बाबा और मैया जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाबा और मैया विश्व के पहले वो देवता हैं जो आधे आधे शरीर में है। वो ये कहते हैं आपका पार्टनर हमेशा आपके ही शरीर का आधा अंग जैसा होना चाहिए, यानी अगर आपके दाहिने हाथ पैर पे पूरे शरीर पर कहीं भी चोट लगेगी तो बाएं को अपने आप पता चलता है, बताना नहीं पड़ता। आपको यहां चोट लगे तब भी उतना ही दर्द है, यहां लगे तब भी उतना ही दर्द है। तो मैया और बाबा इस भाव को प्रकट करते हैं। तो आपको इस मंत्र को बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ बोलकर सहन कर जाना है। अब जब आप सो जाएंगे तो असली काम करेगी आपकी आत्मा और परमात्मा। आत्मा के साथ परमात्मा का संसर्ग हो रहा है और वो आपस में एक दूसरे का पूजन भजन कर रहे हैं। इसके बाद से आपका काम खत्म हो जाता है। सच मानिए, यकीन मानिए, आपके पार्टनर के मन के सीधे सारे कनेक्शन उसी दिन रिपेयर हो जाएंगे और आपके पक्ष में होगा सब कुछ। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब सारा ख्याल रखो। नकारात्मक क्यों होते हो बच्चों? हाँ? रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, किसी भी सूरत में तुम्हें उल्टा सीधा नहीं सोचना, जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।